आचार्य शैलेंद्र पांडे जी का स्वागत करना चाहेंगे। एक बार फिर से जोरदार तालियां आचार्य शैलेंद्र पांडे जी के लिए, और उनसे गुजारिश करूंगी कि कुछ शब्द माइक पे आकर कहें प्लीज। सभी मंचासीन गणमान्य ज्योतिषियों को बहुत बहुत नमस्कार। सभागार में उपस्थित हमारे तमाम भाई बहन, ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि रखने वाले, ज्योतिष का प्रोफेशन करने वाले और उस दिशा में आगे बढ़ने वाले सब लोगों को बहुत नमस्कार। सबसे पहले आचार्य राजीव गोयल और आचार्य पूनम गोयल को बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और तमाम लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए, यहाँ उपस्थित होने का अवसर देने के लिए। समय की बाध्यता है तो देखिए बहुत सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता, लेकिन जहाँ तक टिप्स की बात है, कुछ टिप्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ। छोटी सी बातें जो आप ज्योतिष में अगर ध्यान रखें तो बहुत कारगर होंगी। दो बातें जो लिखी भी गई हैं और मैंने अनुभव भी किया है। देखिए, आप अपनी कुंडली के ग्रहों को स्थान बदल सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा के। आपके जन्म के समय जो कुंडली में ग्रह बैठ गए वो तो वैसे ही रहेंगे, सतत रहेंगे, लेकिन जैसे आप कोई रत्न हाथ में पहनते हैं तो वो ग्रह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में पहुंच जाता है। याद रखिए, आप कोई भी रत्न हाथ में पहनेंगे तो आपकी कुंडली में वो तीसरे भाव में बैठ करके फल देना शुरू कर देगा। इसलिए हर आदमी को हाथ में रत्न मत पहनाइए। अब किसी आदमी की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र बैठा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, आपने उसको मूंगा पहना दिया, मंगल पहुंच गया तीसरे भाव में शुक्र के साथ, चरित्र कमजोर कर देगा, व्यभिचार पैदा करेगा, अपयश पैदा करेगा। तो हाथ में पहने जाने वाले रत्न कुंडली के तीसरे भाव में ग्रह को बैठा देते हैं। किसी ग्रह को लग्न में बैठाना है आपको अगर, तो आप क्या करेंगे, उस रत्न का लॉकेट बनवा के पहनिए। अगर आपकी कुंडली सपोज करिए कर्क लग्न की है, चंद्रमा आपका बहुत कमजोर है और आपको चंद्रमा को लग्न में पहुंचाना है, यानी चंद्रमा को बहुत मजबूत करना है, तो आप मोती पेंडेंट में पहनाइए, गले में पहनाइए, तो वो लग्न के चंद्रमा को बलवान कर देगा, चंद्रमा का फल लग्न के बराबर हो जाएगा। अब आपको किसी ग्रह को दशम भाव में बैठाना है। हम सब जानते हैं कि दशम भाव जो है वो केंद्र का सबसे प्रबल भाव है, हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा भाव है। दशम भाव में किसी ग्रह को बैठाना है, जिस ग्रह को बैठाना है उससे संबंधित वस्तु अपने पिताजी से ले लें और उसका प्रयोग करना शुरू कर दें। सपोज करिए आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, चलिए मान लीजिए आपको दशम भाव में सूर्य को बैठाना है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य दिग्बली होगा, उच्च का होगा, द्वितीयेश है, धन और करियर को बढ़िया कर देगा। ऐसी स्थिति में आप अपने पिता से कहिए कि वो आपको एक लाल वस्त्र दे दें या कोई तांबे का बर्तन दे दें, तांबे का कोई सामान दे दें, और आप तांबे का गिलास ले लीजिए, उसी गिलास से पानी पीना शुरू कर दीजिए। सूर्य जो है आपका वो दशम भाव में स्थित हो जाएगा और दशम भाव के परिणाम देने शुरू कर देगा। तो देखिए, जो ग्रह आपको जन्म से मिले हैं वो तो ये बता रहे हैं ना कि आपका जीवन कैसा चलेगा, लेकिन आप थोड़ी बुद्धिमता से, चूंकि सभी विद्वान ज्योतिषी हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग घबराते हैं अष्टम भाव से, मेरा फला ग्रह अष्टम भाव में बैठा है, बड़े बुरे परिणाम होंगे। जो ग्रह अष्टम भाव में बैठा है या जिस ग्रह को अष्टम भाव से हटाना चाहते हैं, उस ग्रह का दान धर्म स्थान पे करेंगे। जैसे मान लिया आपके अष्टम में सूर्य बैठा है, स्वाभाविक बात है अष्टम में सूर्य होगा तो आयु 56-57 साल में झंझट बहुत पैदा होगा। नाड़ी ज्योतिष कहता है अष्टम में सूर्य हो तो 56-57 साल की उम्र में झंझट होगा, आप बीमार होंगे, कोई बड़ा झटका आपको लग सकता है। तो आप घबराइए नहीं, आप रविवार के रविवार मंदिर में गुड़ का दान करना शुरू करिए, सूर्य अष्टम भाव के परिणाम आपको नहीं देगा। अब एक और बात, आपको करियर को बहुत अच्छा बनाना है, जो कि एक बहुत बड़ी स्थिति होती है।
हालांकि देखिए भाग्य तो आपका है ही, जो आपके करियर को अच्छा या बुरा बनाएगा या आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप अपने भाग्य को करियर के पार्ट पे अच्छा बनाना चाहते हैं, करियर को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो दो ट्रिक याद रखिए। एक, सूर्योदय के पहले, अब ये मत कहिएगा कि मेरी आँख नहीं खुलती है, सूर्योदय के पहले एक लोटा जल घर का भरा हुआ घर का पानी ले जाके पीपल के वृक्ष में डालिए। आपकी कुंडली में कितनी भी दरिद्रता हो, आप राजा नहीं होंगे ये तो कन्फर्म है, अगर दरिद्र योग है तो राजा नहीं बन सकते, लेकिन जीवन अच्छी तरह चलने लगेगा। एक लोटा जल सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में रोज डालिए, पहला काम। और दूसरा काम, रोज संध्या काल में जब सूर्यास्त हो रहा हो, जैसे आजकल सूर्यास्त लगभग 7:30 के आसपास होता है, तो उस समय में जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय में आप अपने घर में दीपक जलाइए, उसी समय दीपक जलाइएगा, रात में या शाम को नहीं, सूर्यास्त के बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर दीपक जलाइए। और दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र पढ़ लें, कुछ नहीं जानते लक्ष्मी चालीसा पढ़ लें, अगर ये दो काम आप रेगुलरली करें, टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सूर्योदय के पहले आपको जल देना है पीपल में रोज, और शाम को जब सूर्य बिल्कुल अस्त हो रहा है यानी गोधूली वेला का समय है, उस समय अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो देखिए, छोटे छोटे टिप्स आपको बताए जिससे आप अपने ग्रहों को शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब इससे लाभ उठाएंगे। आप सबका दिन, जीवन शुभ और मंगलमय हो। फिर से आचार्य राजीव गोयल और आचार्य पूनम गोयल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में वो इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य शैलेंद्र पांडे जी का बहुत बहुत शुक्रिया।